अस्सलाम वालेकुम एवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से ठीक होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे तो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, दीन और दुनिया की हर आजमाइश से बचाए। तो आज मैं बड़े दिनों बाद पेठा कद्दू बनाने लगी थी तो मैंने कहा चले तो 2 kg पेठा लिया है आज मैंने, और 3 अदद प्याज, 3 अदद टमाटर, लहसुन अदरक और सबज मिर्च का पेस्ट, थोड़ा सा दही और बाकी सारे मसाले। आज बहुत सारा काम किया है, सारा दिन कपड़े धोए हैं, साथ में टेरेस साफ किया है। सेम कभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना, माशाल्लाह बहुत बड़ा है, उसे क्लीन किया। तो बस इसी तरह बिजी रहे, और आज रात के खाने थोड़ा सा लेट हो गया, और शाम को फिर विकास जा रहे थे बाज़ार, मैंने कहा मैं भी चलती हूँ, कुछ सब्ज़ियाँ लेनी थी। ये मेरे ख़्याल में इसको शायद टिंडे या चकोतरे इसी तरह, और खीरे, अदरक, ये कुछ खजूर है और स्ट्रॉबेरी। मैं सोच रही हूँ कि स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाते हैं, गर्मी भी काफ़ी हो गई है। चले स्ट्रॉबेरी का सारा नहीं है, जैसे जैसे ये प्याज ब्राउन होते हैं साथ साथ में हम स्ट्रॉबेरी का शेक बनाते हैं। प्याज ब्राउन हो गया है, अब इसमें बाकी सारे मसाले ऐड करते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं, सुरख मिर्च, ये इतनी तेज़ नहीं है इसलिए मैं इसको ज़्यादा ही डालती हूँ। और वैसे भी पेठे में नमक मिर्च तो ज़्यादा ही डलती है। जिंजर गार्लिक की खुशबू इतनी प्यारी आ रही है चलो जी, मैंने इसमें पेठा ऐड कर दिया है, थोड़ा सा दही भी डाला है। तो जब तक ये रेडी होता है तब तक हम शेक बनाते हैं, स्ट्रॉबेरी शेक। ये देखें, मैंने इसका सामान रेडी कर लिया है। तो सबसे पहले हम 3 ग्लास दूध के डालते हैं, बस, और ये स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी ऐड करते हैं, और अपनी हद पे ज़रूरत चीनी। किस किस को स्ट्रॉबेरी का शेक पसंद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
हमारा स्ट्रॉबेरी शेक रेडी है, अब हम सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो इतनी प्यास लगी हुई है ना, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। चलें जी, हमारा स्ट्रॉबेरी शेक रेडी है, ये देखें। अब हम देख के आते पिलाते हैं सबको। चलें अब सबको देख के आते हैं। मरियम इधर पढ़ाई कर रही है बैठी, ये लो मरियम। अब वो कास को देख के आते हैं, कास लैपटॉप पे अपना काम कर रहे हैं। ओह थैंक यू, वेलकम। और ये मेरा, चलिए आप लोग भी एक सिप ले लें। वाओ, मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद आया। चलें जी, जूस तो हमने पी लिया था, सालन हमारा हो गया है रेडी, साथ में मैंने चपाती भी बना ली है और हम सबको सर्व करते हैं। और अब मैं आपसे इजाज़त तलब करती हूँ, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो दो में याद रखिएगा, मेरे चैनल अमाराज किचन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं हमेशा आपकी दुआओं की मुंतज़िर रहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।